अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पहले जो करना है आपका मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना चाहिए, चाहे वो आप वाईफाई से करो या आपका सिम का इंटरनेट ऑन करो। आप पहले इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लीजिए। इंटरनेट कनेक्शन जब ऑन होगा उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर में जाने का है। प्ले स्टोर का जो ऐप्स है इसमें जाने का है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको साइन इन में क्लिक करना है। साइन इन में क्लिक करने के बाद आपको जो पेज दिखाएगा उसमें आपको क्रिएट अकाउंट लिखा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है। क्रिएट में देने के बाद इधर दो ऑप्शन रहेगा, एक रहेगा फॉर माय चाइल्ड। फॉर माय चाइल्ड में दिएगा तो ऐसा पेज शो करेगा, उसमें आप नहीं कर सकेगा तो बैक कर लीजिए। दो ऑप्शन में जब फॉर माय चाइल्ड देगा उसमें आप ओपन नहीं कर सकेगा, तो सिंपली आपको करना है कि फॉर माय सेल्फ। तो इधर नेम शो करेगा, आप आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो भी है आपका नाम आप इधर लिख लीजिए। नाम लिख लीजिए के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, कोई भी आप डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका खुद का जो है वही देना पड़ेगा, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो आपको फिर जेंडर यूज़ करके नेक्स्ट देना है। नेक्स्ट देने के बाद इधर ऑप्शन दिखेगा कि आपको ये भी चूज, दो ऊपर का जो दो दिख रहे हैं वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो आप खुद का भी आप नाम लिख के आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, दिखाने के लिए ये देखिए, इधर जब आप टच करेगा तो इसमें आप खुद का जो नाम है उसमें खुद का नाम लिख के कोई भी नंबर आप जो पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं तो दे सकता है, कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपको पर्सनल नहीं चाहिए तो ऊपर दो ऑप्शन ऑलरेडी दे के रखा उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है। आपको पर्सनल नाम यूज़ कर सकते हैं या जो है वही क्लिक करके इधर आप पासवर्ड दे सकते हैं, कोई भी 8 नंबर का पासवर्ड दे लो, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप फाइनल यानी मिनिमम 8 नंबर का पासवर्ड देना है जो आपको याद रखना है। उसके बाद आप नंबर दे के उसको कन्फर्म भी कर सकते हैं, और नंबर नहीं देगा तो इसको स्किप कर सकते हैं नेक्स्ट पेज में जाने के लिए। तो ये आपका ओके हो गया। फिर नेक्स्ट देने के बाद नीचे जाने का है, मुल्क नीचे जाने के बाद एग्री करना है। एग्री करने के बाद जो हमारा अकाउंट है वो ओके हो गया, पूरा हो गया। ये पूरा होने के बाद आपको फिनिश करने का, ये हमारा प्ले स्टोर ओपन हो गया। अब आप कोई भी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी आपको चाहिए, जो आप ऐप्स चाहिए आप फाइनली नॉर्मली आप ईमो सर्च करिए। ईमो सर्च करने के बाद को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल में क्लिक करने का, पहली बार जब आप जीमेल आईडी ओपन करेगा तो पहली बार सॉफ्ट ऐप्स डाउनलोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आप थोड़ा सा वेट करने का। ये देखिए हमारा ऐप्स जो है वो डाउनलोड हो रहा है, अभी डाउनलोड होने के बाद आप अभी कोई भी ऐप्स आपको डाउनलोड कर सकते हैं, आप कोई भी टेंशन नहीं है। प्ले स्टोर खोलने का इतना अभी तकलीफ का नहीं है, अब जस्ट वेरी इजीली है। जब आप जान जाएगा कोई भी चीज़ वो इजीली होता है, तो आप अभी कोई भी ऐप्स आप डाउनलोड कर सकता है। ये फर्स्ट टाइम थोड़ा, फर्स्ट जो ऐप्स है आप जीमेल आईडी ओपन करने के बाद वो थोड़ा सा टाइम लेता है डाउनलोड होने के लिए। अब और कभी कभी डाउनलोड होने के लिए बहुत टाइम लेता है, उस टाइम क्या करने का, आपको जो ऐप्स पेंडिंग है उसमें जाके आपको जो इंस्टॉल हो रहा है वो आपको बस कैंसिल करना है, अपडेट जो है वो कैंसिल करना है। इधर हमारा ईमो इंस्टॉल हो गया, ऑलमोस्ट ईमो इंस्टॉल हो गया। अभी आपको जो कुछ भी चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप चाहिए, फेसबुक चाहिए, कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।